कहा जाता है कि किसी जन्नी ने अगर सुरवीर को जन्म दिया है तो जरूर वह जन्नी खास होगी। शिवाजी जैसे सुरवीर को जन्म देने वाली जन्नी को जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में महान सुरवीर शिवाजी की माँ जीजाबाई के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ आप जानेंगे कि कैसे जीजाबाई ने अपने जीवन में अनेक पड़ाव देखे और सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने शिवाजी को इतना शौर्यवान कैसे बनाया, कैसे एक 17 साल का बच्चा बड़ी बड़ी जंग का हिस्सा बन गया। आइए जानते हैं जीजाबाई के जीवन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 ईस्वी में महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुआ। इनके पिता लखुजी जाधव सिंधखेड़ नामक गांव के राजा हुआ करते थे। उन्होंने जीजाबाई का नाम उस वक्त जीजाऊ रखा था। कहते हैं कि जीजाबाई अपने पिता के पास बहुत कम रही और उनकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। उस वक्त बचपन में ही शादी करवा दी जाती थी। कहते हैं कि जीजाबाई की मंगनी उसी वक्त तय हो गई थी। उनकी उम्र जब 6 वर्ष थी, इसके साथ एक छोटा सा प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। इतिहास में लिखा है कि होली का दिन था, लखुजी जाधव के घर उत्सव मनाया जा रहा था। उस वक्त मोलाजी अपने बच्चों के साथ, जिसकी आयु भी करीब 7 से 8 वर्ष थी, उसके साथ इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। नृत्य देखते हुए अचानक लखुजी जाधव ने जीजाबाई और मोलाजी के पुत्र शाह जी को एक साथ देखा और उनके मुख से निकल गया, वाह क्या जोड़ी है। इसी बात को मोलाजी ने सुन लिया और बोले कि फिर तो मंगनी पक्की होनी चाहिए। मोलाजी उस वक्त सुल्तान के यहाँ सेनापति थे और लखुजी जाधव राजा होने के बाद भी सुल्तान के कहने पर उन्होंने मोलाजी के पुत्र शाहजी भोसले से अपनी पुत्री जीजाऊ यानी जीजाबाई की शादी करवा दी। जीजाबाई और शाहजी के विवाह के बाद जब बड़े हुए तब शाहजी बीजापुर दरबार में राजनायिक थे। बीजापुर के महाराज ने शाहजी की मदद से अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी खुशी में बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें अनेक जागीर तोहफे में दी। उन्हीं तोहफों में एक जागीर शिवनेरी का दुर्ग भी शामिल है। यहाँ जीजाबाई और उनके बच्चे रहा करते थे। जीजाबाई ने 6 पुत्री व 2 पुत्रों को जन्म दिया था। उन्हीं पुत्रों में से एक शिवाजी थे। शाहजी ने अपने बच्चे एवं जीजाबाई की रक्षा के लिए उन्हें शिवनेरी के दुर्ग में रखा, क्योंकि उस वक्त शाहजी के अनेक शत्रुओं का भय था। यहाँ शिवनेरी के दुर्ग में ही शिवाजी का जन्म हुआ और बताया जाता है कि शिवजी के जन्म के वक्त शाहजी जीजाबाई के पास नहीं थे। शिवाजी के जन्म के बाद शाहजी को मुस्तफा खान ने उन्हें बंदी बना लिया था। उसके 12 वर्ष बाद शाहजी शिवाजी की भेंट हुई। इस बीच जीजाबाई और शाहजी का संपर्क दोबारा हुआ। शाहजी हमेशा अपने कार्यों में जीजाबाई की मदद लिया करते थे। जीजाबाई के बड़े पुत्र का नाम सांभाजी था। बताया जाता है कि सांभाजी और शाहजी अफजल खां के साथ हुए युद्ध में मारे गए थे। शाहजी के मृत्यु के बाद जीजाबाई ने पति के साथ सती होने की कोशिश की थी, पर शिवाजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। शिवाजी अपने माँ को अपनी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। यही वजह है कि शिवाजी बहुत कम उम्र में ही समाज एवं अपने कर्तव्य को समझ गए थे। अपनी माँ की मार्गदिशा में उन्होंने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत छोटी उम्र में ही कर दी थी। इतिहास को जितनी बार भी पढ़ा जाए तो मराठा साम्राज्य में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो है जीजाबाई और उनके पुत्र शिवाजी का। कहते हैं कि शाहजी से अलग होने के बाद जीजाबाई ने शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने मराठा साम्राज्य ही स्थापित कर दिया। जीजाबाई बहुत ही चतुर और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अनेक ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से स्वराज स्थापित हुआ। एक प्रसंग मिलता है कि राज्य में महिलाओं के साथ होते अत्याचार को देखते हुए जीजाबाई ने माँ भवानी के मंदिर जाती है, माँ से पुकार करती है कि स्त्रियों की इन दुर्दशा को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो माँ खुश होकर जीजाबाई को वरदान देती है कि उनके पुत्र के द्वारा अबलाओं की लाज एवं उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाएगा। यही वजह है कि शिवाजी हमेशा भवानी माँ को पूछते थे और अपनी माँ के द्वारा मिले शिक्षा का निर्वहन करते हुए माँ को हमेशा पूछते रहे। इतिहास में लिखा है कि शिवाजी महाराज के पास एक ऐसी तलवार थी जिसका नाम भवानी था। यह भी माँ भवानी के वरदान से प्राप्त की गई थी। जीजाबाई ने मराठा साम्राज्य के लिए अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी कहानियां सुनाई जिसने उन्हें अपने धर्म और अपने कर्म का ज्ञान हुआ एवं लोगों की रक्षा कैसे करनी है इसका भी ज्ञान हुआ। यही वजह है कि शिवाजी ने 17 वर्ष की आयु में
मराठा सेना का निर्माण किया और अनेक पराक्रमियों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। एक समय ऐसा भी आया जब जीजाबाई को शिवनेरी का दुर्ग दोबारा मिल गया था। अपने जीवन की सभी परेशानियों को भूलते हुए जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी, ऐसे संस्कार दिए जिनकी वजह से उनके पुत्र ने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू किया। उन्होंने अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू किया। यही वजह है कि शिवाजी को आज बड़े ही गौरव के साथ याद किया जाता है और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से संबोधित किया जाता है। शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत की और उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने में कामयाबी भी हासिल की और अनेक अत्याचारियों का वध किया। यह सब कुछ संभव हुआ था जीजाबाई के संस्कारों, उनके द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से। जीजाबाई ऐसी महिला थी जिन्होंने दक्षिण भारत में मराठा यानी हिंदू की स्थापना में योगदान दिया था। उनकी मेहनत और उनके ही संस्कारों की वजह से शिवाजी ने मराठाओं के लिए हथियार उठाया और उन्होंने हिंदुत्व की स्थापना एक बार फिर से करने में सफलता हासिल की। जीजाबाई की मृत्यु 17 जून 1674 ईस्वी में हुई। शिवाजी ने इस समय तक मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। हम जानते हैं कि किसी का भी जीवन ऐसा नहीं होता कि एक ही शब्द में बता दिया जाए। हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक कहानी जरूर होती है। जीजाबाई के जीवन में भी अनेक ऐसी कहानियां एवं प्रसंग मौजूद हैं जिन्हें बहुत कम सुनाया जाया या पढ़ाया जाता है। हम कुछ ऐसे ही प्रसंग उनके जीवन से जुड़े यहां बता रहे हैं। जीजाबाई स्वयं ऐसी महिला थी जिन्हें उनकी दूरदर्शिता एवं युद्ध नीतियों के लिए याद किया जाता है। जीजाबाई ने हमेशा महिलाओं की रक्षा एवं मान सम्मान को बचाने की बात की थी और अपने बेटे को सिखाई थी। जीजाबाई का दूसरा बेटा यानी शिवाजी के भाई संभाजी की हत्या अफजल खान ने की थी। जीजाबाई ने उस शिवाजी को उसका बदला लेने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी खुद जीजाबाई से युद्ध नीतियां सीखा करते थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अनेक जंग में जीत हासिल की थी। जीजाबाई का निधन शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद हुआ था। उन्होंने अपने हिंदुत्व के सपने को साकार करने के बाद अपने प्राण त्यागे थे। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में बाल राजा, महाभारत एवं रामायण की कहानियां सुनाकर उन्हें धर्म के प्रति प्रेरित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में जीजाबाई का अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि शिवाजी को याद करने से पहले उनकी माता जीजाबाई को याद किया जाता है। उन्हीं के द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार शिवाजी ने अनेक युद्ध में विजय प्राप्त किए और वह मराठा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। शिवाजी ने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां जीजाबाई को दिया है। इतिहास में जीजाबाई के इस योगदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।